ने मुझे पकड़ रखा था। बियर गिल अगर होता तो इसको भी खा लेता। चलो जाओ यहाँ से, क्या निकाल सकते हैं। चले दोस्तों, चलते हैं जंगल के अंदर। एक नदी मिला है और मैं नदी के सहारे कोई ना कोई गांव तक पहुंच ही जाऊंगा। तो चलो दोस्तों नदी को और चलते हैं। अरे अगर आपको नदी का गहराई पता करना है तो आप एक पत्थर ले लीजिए। और मैं एक पत्थर ले लेता हूँ ये, और मैं इससे इस नदी का गहराई मापूंगा। इस नदी में आप दोस्तों हमेशा डंडा को ऐसे पकड़ के और ऐसे पकड़िए और पकड़ के पानी में छोड़ के मारिए। इसका मतलब पानी बहुत गहरा है। तो मुझे एक पक्षी का घोंसला मिला है और मैं उस पेड़ पर चढ़ के उस घोंसला में देखना चाहूँगा कि उस घोंसला में पक्षी है या नहीं है। तो चलो दोस्तों पेड़ के ऊपर मैं चढ़ता हूँ। इस तरह का पेड़ में चढ़ना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने एक पैर को यहाँ रखें। आप सबसे पहले अपना पकड़ बना लीजिए। पकड़ बनाने के बाद आप धीरे धीरे पैर के शाखा तक पहुँचिए। मैं पेड़ पर चढ़ गया। अब देखता हूँ घोंसले में पक्षी है या नहीं। पेड़ के ऊपर तो आ गया पर इस पक्षी के घोंसले में काफी। मैं इस डाल को पकड़ के काफी रिक्सी है पेड़ में चढ़ना। अगर आप इस तरह के पेड़ में चढ़ना चाहते हैं तो आप पकड़ मजबूत बनाएं। पेड़ में तो पक्षी नहीं है इस घोंसले में और मैं बहुत कुछ और मैंने नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक जोंक ने पकड़ रखा है।
ये देखिए ये जोक ने मुझे पकड़ रखा था। बियर गिल अगर होता तो इसको भी खा लेता। जाओ जाओ नहीं जाओ। और देखिए दोस्तों हमें एक टूरिस्ट प्लेस मिला है और वहाँ बारिश भी है और एक सदर भी बनाया हुआ है। अगर आप नदी के सहारे आ रहे हैं जंगल में तो आपको 100% है कि आपको कोई गांव या कस्बा मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों मैं नदी के किनारे किनारे आया और मैं देखा एक साइड में एक टूरिस्ट प्लेस मिल चुका है और मैं जा रहा हूँ अपने घर।